बड़ो बहु। बड़ों की कुश्ती के लिए कोई अखाड़ा मिला के? 20 किलोमीटर के दायरे में हमने जितने भी अखाड़े आए ना सबसे बात की, लेकिन कोई एक भी नहीं माना हमारी कोमल मीडिया को ट्रेनिंग के लिए अपना अखाड़ा देने के वास्ते। बाबूजी आप ना इब और कोशिश ना करो, आपकी और लक्की जी की बेइज्जती होते हुए मैं और नहीं देख सकती। लोके बेसरमी से बड़ो तू अखाड़े में ना उतर सकती। बस संग्राम सिंह जी, सरपंच जी ने तो बस यो बोला था कि मन्ने अलावा अखाड़े में कदम रखना मना है, उन्होंने मेरे चलने दौड़ने पे कोई पाबंदी नहीं लगाई। कोमल बेटा जाके देख पायल ने थारी कुश्ती के लिए क्या बढ़िया बंदोबस्त किया। निशा आ गई से के गुरु जी? ना बेटा वो अभी तक ना आई। सुबह की ट्रेनिंग के लिए निशा को फोन लगा रही हूँ, पर अब है कि उसका फोन ही ना लग रहा है। इस बार सारा इंतजाम मन्ने किया सर, और वो भी बिल्कुल सही। लखपड़ों के साथ कुश्ती करने लग गया, इब ये रोज कुश्ती करेंगे कौन रोक सके ना ने? अखाड़े के सबसे अच्छे पहलवान लकी जी के साथ कुश्ती ना लड़वाएंगे तो आप राष्ट्रीय कंपटीशन कैसे जीतोगे? यो के तमाशा लगा रखा तुम दोनों ने, यहाँ पे घर को अखाड़ा बना दिया। गुरुजी मने तो ये पता ही नहीं था कि आपके लिए नेशनल मेडल से ज्यादा जरूरी यो बड़ों की कुश्ती से। अगर आपको मेरे लकी जी के साथ ट्रेनिंग करने में कोई दिक्कत है तो फिर मैं आज के बाद लकी जी के साथ ट्रेनिंग नहीं करूंगी। एक तरफ मैं अपने दोनों पहलवानों को राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार करना चाहता हूँ और दूसरी तरफ कोमल को प्रोफेशनल ट्रेनिंग देके उसे एक कामयाब पहलवान बनाना चाहता हूँ। अगर आपको नेशनल मेडल जीतना से तो आपको खुद अकेले हाथ पैर मारना से। ये तो बता के आखिर तू हमको मिलाना किससे चाहता है? आता ही होगा, ये लीजिए किया गया। राम राम बेटे, राम राम। जीते रहे गुरुजी। पहले तो ये सिर्फ हमारे कॉम्पिटिटर थे और आज के बाद नेशनल्स के लिए ये मुझे ट्रेन करे। प्रज्ञा जी मैं आपको बता के गया था ना मैंने खेत जाना है, और हमारा ध्यान इधर उधर हो गया, मारा पैर फिसला और मैं वहीं गिर गया, हमारे कपड़े भी खराब हो गए। प्रज्ञा जी यो सब क्या? आप हमारे को बता के गए थे ना कि आप खेत जा रहे हो, खेत में तो धूल मिट्टी हो गए है, तो मैंने यो सोचा था कि जब आप वापस आएंगे ना आपका मैनिक्योर पेडिक्योर कर दूंगी। इब आप मुनीम है ना तो आपको हर वक्त अच्छा लगना सर। पर कह जी आप मारे बारे में इतना सोचते हो? कोई बात ना, अब ना करवाना है तो कोई बात नहीं। प्रज्ञा जी वो आपने हमारे लिए इतनी तैयारी की है, मैं कराऊंगा जी। वहां पे जाके बैठ जाए। अपने पैर इसमें मैं। कोई बात नहीं, मैं तौलिया लाती हूँ। लड़ना बेटा, ये तो बता के आखिर तू हम सबको मिलवाना किससे चाहता है? इतनी जल्दी क्या है गुरुजी? और गुरुजी आप ही कहते हैं ना कि सबर का फल मीठा होता है, तो बस आता ही होगा। ये लीजिए, ये आ गया।
बलविंदर है। बड़ो लगती है लेकिन लेकिन के बड़ो तो मैं ही हूं। अरे लवीना यो सही बोल रही से यो ही बड़ो से तू है बड़ो लेकिन खैर तुम कैसे हो? मैं ठीक हूं। यो कौन है? माँ माँ यो लवीना से बड़ो की नई ट्रेनर है। नमस्ते नमस्ते। स्पोर्ट्स अथॉरिटी वाले ने इसको भेजा से। कल मारी इनके साथ लाइव चैट हुई फोन पे पर घर के हालातों में मैं ये सब बताना भूल गया। और लवीना यो से मारी माँ। नमस्ते। और यो बड़ो मन्ने माफ करना, मन्ने आपको चोर समझा और मैं आप पे वार कर बैठी। कोई बात नहीं बड़ो, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो चोर अब तक अस्पताल में होता। लवीना तुम तो सुबह आने वाली थी ना, के वापस छूट गई? छूट तो गई थी लेकिन यू नो राइट, लवीना को अपने रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट पसंद नहीं है, इसलिए घर जाने के बजाय मैं तो ट्रक वाले से ही लिफ्ट लेकर आ गई। और अच्छा ही हुआ ना, आती बड़ों के साथ आमना सामना हो गया और इसकी ग्रिप ने ये बता दिया कि इसे सिखाने में और इससे सीखने में बॉस बहुत मजा आने वाला है। चलो भाई घनी बातें हो गई और रात भी काफी हो गई है, बाकी की बातें सुबह कर लेंगे। बड़ो एक काम कर, इनको ना गेस्ट रूम में ले जा। और सुन यो ना थारी गुरुजी से तो इनकी आव भगत में कोई कमी ना रहनी चाहिए, जम के सेवा करना इनकी। जी माँ जी। कोई भी चीज की जरूरत हो तो भारे को बोल देना। लवीना आपको कोई भी चीज चाहिए हो बेहिचक भारे को बोल देना। जा पड़ो। जी माँ जी। मुझे दे दीजिए। ना मैं ले लेती हूँ। आज राणा भाई ने हाथ पार कर दी, उन्होंने आज जो भी बाबूजी के साथ किया ना मन ने वो बिल्कुल पसंद ना। ये गांव थारे लिए नया से, यहाँ के रास्ते थारे लिए नए हैं, अगर कोई दिक्कत होगी तो हमारे से पूछ लेना। पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं अपने नियम अपने रास्ते खुद बनाता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आगे आपको ये बात बतानी ना पड़े। तो सुन रहे बाबूजी, कुछ अगर आज के बाद ये हाथ बाबूजी के सामने दिखाए ना तो इसको जड़ से उखाड़ के अखाड़े के बाद निशानी के तौर पर लगा लूंगा। हमारे पास ना एक आइडिया है, उसके लिए ना आपको सवेरे जल्दी उठना होगा और चाय नाश्ता बनाना होगा और सिस्टी जी के उठने से पहले वहां पहुंचना होगा चाय नाश्ता लेके। मिस्टर जी को ना जादू मंदिर तो नहीं सिखाया है हमें काबू में करने के लिए? ये दोनों हाथ में पकड़ो, पकड़ो दोनों कप्स, पकड़ो हाथ में। नाउ से ई ई, दिस लुक्स मोर रोमांटिक, जाके इंप्रेस करो अपने सिस्टी जी को। मैं भाभी जी का घर नहीं लूटूंगा, नहीं लूटूंगा, नहीं लूटूंगा। लेकिन काहे ना लूटेंगे, काहे ना लूटेंगे, हाँ जब हम खुद ही बोल रहे हैं कि जाइए हमारी तिजोरी लूट लीजिए। तुम घर को लूटोगे या नहीं? बिल्कुल नहीं लूटूंगा, बात खत्म हुई, चाबी दे यार। ये लो ला ला ला। हाँ चाबी मिल गया, चलिए तिजोरी ऊपर है, चलिए चलिए। आई भाभी जी आप तो यू। रुक जाओ, आप सब लोगों को पुलिस ने घेर लिया है। विभू उर्फ डाकू अंजाना सिंह अपने हथियार नीचे गिराओ, ड्रॉप द गन। यशोदा द्वारा कान्हा के जन्म की रात्रि के विषय में जान नंद हो जाते हैं अचंभित। ओ चक्रधारी,
अब तो देखेगा भगवान कंस का भय। कंस ये कैसी योजना रच रहा है? कंस क्या अनर्थ करने जा रहा वह ये स्वयं भी नहीं जानता कि वह अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। कान्हा के घर में हुआ राहु का प्रवेश। प्रीत ने सरपंच से दरखास्त की है कि औरतों को वोट करने का अधिकार मिले। पता करो क्या कर रहे, कहाँ आ रहे, कहाँ जा रहे। उन लोगों के लिए ना हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो प्रोसेमन हो। तुमने सिर्फ चुनाव का पर्चा भरा है या फिर जीतने का कोई प्लान भी है? मेरे पास एक योजना है। अब रोहन बनेगा हमारा कबूतर। राज और प्रीत ही सारी बातें उनसे भी पहले हम तक पहुँचाएगा।